हमने लास्ट ये इफ स्टेटमेंट पढ़ ली थी, और इफ स्टेटमेंट के हमने कंस्ट्रक्शन देख ली थी कि किस तरह से ये कंस्ट्रक्ट हुआ वो होता है। एक इफ का कीवर्ड होता है, उसके बाद यहाँ पर हम इसको जो चीज़ दे रहे होते हैं वो या तो इसको ट्रू चाहिए होती है या तो फॉल्स चाहिए होता है, लेकिन हम ट्रू फॉल्स कभी हाथ से नहीं लिखते हैं। अब हम कंडीशन दे देते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ, हम कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं जिससे यहाँ पे सम टाइम ट्रू आता है और सम टाइम फॉल्स आता है। जैसे कि यहाँ पर हमने यूज़र से एक इनपुट लिया है जिसमें कोई नंबर होगा, और उसको हमने क्या कर दिया है, कॉम्पेयर करवा दिया है 25 से। इसको मैंने क्या करवा दिया, कॉम्पेयर करवा दिया कि जी अगर तो ये बड़ा है इनपुट जो मिला है यूज़र से तो ये चला दो, अच्छा अदरवाइज अगर ये छोटा होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लिहाजा ये इफ़ काम ही नहीं करेगा। अब नीचे जो दूसरा इफ़ है कि इफ़ अगर ये इनपुट छोटा है 25 से तो ये चला दो, तो या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों में से कोई भी ना चले। अच्छा लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, इफ़ के साथ एल्स लगाते हैं। ये तो मैंने वैसे ही समझाने के लिए किसी को बता दिया था लास्ट में, तो मैं एक्चुअली एल्स लगा देता हूँ। सही, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो मैं एल्स लगा देता हूँ इसके साथ। मुझे वो बाकायदा पूरा यानी सेकंड इफ पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती मुझे, बल्कि मैं एल्स लगा देता हूँ। अच्छा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक टास्क दिया था कि यार आपने क्या करना है कि तीन कंडीशन लगानी है आपने, जैसे इसमें वेदर हॉट और वेदर कोल्ड है ना, तो आपने वेदर इज़ नॉर्मल भी एक सेट करना है कि जी कोई तो रेंज होगी ना इसमें, वेदर नॉर्मल होता होगा है ना, कोई तो रेंज होती होगी। तो हम जो है ना इसको भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं आज। अच्छा कितने लोग ऐसे थे जिनसे वो वाला काम हो गया था बगैर एल्स इफ के, बगैर एल्स इफ के, सिर्फ इफ़ और एल्स के साथ। देखें एक तो ये इफ़ एल्स है ना, और एक होती है एल्स इफ। ये एल्स इफ अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, तो इसके बगैर कितने लोगों से ये काम हो गया था, आपसे हो गया था, आपसे हो गया था? नहीं मैंने तीन कंडीशन कही थी, चार नहीं कही थी मैंने। एल्स इफ के बगैर कितने लोगों से हो गया था, क्योंकि जो बिगनर्स होंगे उनको तो एल्स इफ पता ही नहीं है ना, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कौन, आप बिगनर हैं? अच्छा आप बिगनर नहीं हैं, आप प्रो हैं। तुमने तीन इफ लगाए थे, गुड यार ज़बरदस्त। तो एक ही बंदा जिससे ये हुआ था, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ अनस और यूनुस, सही है। और तुम्हारा नाम? अनस। अनस तुम्हारा नाम है और वो यूनुस है तुम्हारा दोस्त, सही है। अच्छा तीनों इफ के साथ भी हो सकता है, इसको करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। अच्छा तो जैसे इन्होंने किया था, मैं वो वाला तरीका आपको करके बताता हूँ जो शायद सबसे आसान रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, नंबर स्केल। पेंट की एक ऐप ओपन करते हैं। आपने जब भी इस तरह की कंडीशन लगानी है ना, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि यार बंदा अपनी एज इन एंटर करेगा, और आप उसमें लगाएंगे या तो उसको बता देंगे कि यार वो बूढ़ा है या जवान है या वो बच्चा है, ये मैंने बता दी, तो एक रेंज होगी ना, ये रेंज के अंदर आ रही है। या मैंने आपसे बोला कि यार यूज़र इनपुट देगा अपना परसेंटेज और आप उसको बता देंगे इसका ग्रेड क्या है, ग्रेड ए है, बी है, सी है, क्या ग्रेड है उसका, सही है। अच्छा या तो यूज़र इनपुट देगा टेम्परेचर, आप उसको बता देंगे वेदर या तो कोल्ड है या तो हॉट है या तो नॉर्मल है, तो ये एक रेंज है एक्चुअली, ठीक है। टेम्परेचर ज़ीरो से या माइनस से शुरू होगा और पॉजिटिव में वो पूरा जाएगा। तो हम किसी भी एक एग्जांपल को ले लेते हैं, हम वेदर को ही लेते हैं क्योंकि लास्ट टाइम वेदर को कर रहे थे। तो ये हमारा ना आप इमेजिन कर लें कि नंबर स्केल है, ठीक है। ये हमारा है नेगेटिव इन्फिनिटी और ये है हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ये एरो का मतलब होता है कि इधर ये अनलिमिटेड है। यार ये पेंसिल थोड़ा सा मुझे मोटा कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं है इसमें ऑप्शन नहीं है। अच्छा अब मेरे पास यहाँ पे इमेजिन कर लें कि जी ज़ीरो है, ये जो है ना वो ज़ीरो है, ठीक है। और यहाँ पे मे बी -10 है और मतलब एंड सो ऑन, ये -20 है, ठीक है, एंड सो ऑन, ये इधर पूरा नेगेटिव इन्फिनिटी तक गया हुआ है। अच्छा फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, 10 है और 20 है और मे बी 30 है, 40 है एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये
ये पूरा नंबर स्केल है। तो हमने जो हमारी कंडीशन लगानी है, हम ये चाहते हैं कि हम इस नंबर स्केल में ना पूरे के पूरे नंबर स्केल को हम कवर करें। अच्छा, तो या तो मैं इस तरफ से शुरू करूँगा, ठीक है, या तो मैं इस तरफ से शुरू करूँगा। मैं फ़िलहाल के लिए मैं इस तरफ से शुरू कर लेता हूँ, सही है, अभी इस एग्ज़ाम्पल के लिए। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने दो तीन बातें बतानी है। एक तो वेदर मेरा कोल्ड होगा या तो, सही है, या तो नॉर्मल होगा और या तो हॉट होगा। ये मुझे तीन क्लासिफिकेशन करनी है इसकी, ठीक है। तो कहाँ तक मैं ये क्लासिफाई करना चाहता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी होगी भाई दादा, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं हूँ, ठीक है। या तो कोई साइंटिफिक फैक्ट के ऊपर मैं कर रहा हूँ या तो अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ कि जी कितने तक को मैं कह रहा हूँ कि कोल्ड होगा वेदर। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे लिए जो 20 डिग्री से जो कम है ना, उसको मैं समझता हूँ कि हाँ यार वो कोल्ड है, सही है। यानी कि 20 डिग्री से इसका मैं कलर अगर चेंज कर पाऊँ तो मैं इसको कह देता हूँ कि यार ये कोल्ड वेदर है ना, ये 20 डिग्री से जो है इस तरफ, ठीक है, यानी 20 उसमें इंक्लूड होगा, राइट, 20 उसमें इंक्लूड है, सही है, ये 20 उसमें इंक्लूड है। तो 20.1 जो है ना वो इस कैटेगरी से बाहर है, मैंने अभी ये डिसाइड कर लिया। अच्छा, फिर इसी तरीके से, अच्छा तो सबसे पहले ये कंडीशन लगा लेते हैं कि जी 20, अच्छा ये इसमें पूरा कवर हो जाएगा, ये पूरा कवर हो जाएगा इसमें, नेगेटिव इन्फिनिटी तक पूरा कवर हो जाएगा इसमें, ये सही है ना। कि जी मैंने इसको जब ये बता दिया कि 20 से कम, तो कितना कम, ये कितना भी कम हो, तो यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि यार इनपुट अगर, सही है, अगर छोटा हो जाए किससे जी, 20 से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कब फॉल्स रिटर्न करेगा ये समझना बहुत ज़रूरी है, वरना ये इस अगर ये चीज़ सही से पता ना हो ना आप, या इसका आपने सही तरह ख्याल नहीं रखा, तो सम टाइम ये ऐसे बग जनरेट कर देता है जो बहुत लीथल होते हैं। अच्छा, मैंने इसको कह दिया कि वेदर इज, मैं चाहता हूँ कि कोल्ड हो जाएगी। अच्छा, ये कब फॉल्स रिटर्न करेगा और कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब यहाँ पे होगा ना 19, तो ये क्लियरली ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्लियरली ये ट्रू रिटर्न करेगा। अच्छा, लेकिन 19 पॉइंट अगर 9 हो तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी छोटा है। अच्छा, ये 9 9 9 हो इसमें तो ये तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। अच्छा, जैसे ही लेकिन ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ये फॉल्स देना शुरू कर देगा फिर, सही है। और 20.1 या 20.5, सही है, 20.0000001 भी हो गया ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, सही है। तो ये इस पॉइंट पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम आया के 20 तक इंक्लूड करना चाह रहे हैं, या हम मिसाल के तौर पे मैं जैसे ही ये 20 हो जाए तो ये तो फॉल्स करना शुरू कर देगा। मैं चाहता हूँ कि 20 भी इंक्लूडेड हो। अच्छा, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं क्या करूँ, 20.1 कर दूँ इसको, यहाँ एक तो तरीका ये होगा मैं 20.1 कर दूँ, है ना। तो क्या होगा कि ये 20 तक ट्रू रहेगा, जैसे ही 20.1 होगा तो ये फिर फॉल्स हो जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कहा कि 20.00001 फिर ट्रू हो गया, है ना, ये तो फिर ट्रू हो गया। हालांकि 20.0001 जो है वो मैं चाहता हूँ फॉल्स हो जाए, अगर एक पॉइंट भी ऊपर जाए 20 से तो मैं चाहता हूँ ये फॉल्स हो जाए, तो ये तो मसला हो गया। अब इसका क्या हल है, इसका हल ये है, एक और कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास मौजूद है, ये वाला इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये पहले तो ये 19 तक ये करता था ना, 19.99 तक ये ट्रू करता था, अब ये क्या करेगा, अब ये 20 तक करेगा। अच्छा, लेकिन 20.00001 पे ना ये फॉल्स करना शुरू है, तो ये अप्रोप्रिएट है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स की हमने लिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है, उसमें आप देखेंगे कि ये एक मौजूद है, ये देखें आप, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मैंने आपको लेस देन और लेस देन इक्वल टू का डिफरेंस अभी समझाया है, राइट, और उसका अप्रोप्रिएटली उसको कब और कहाँ यूज़ करेंगे वो मैंने आपको सिखाया है। अच्छा, कुछ जगहों पे अप्रोप्रिएट ये नहीं होगा, मतलब अगर आप किसी के जहन में शायद ये बात आएगी ना कि जी लेस देन और इक्वल टू अगर है, लेस देन और इक्वल टू है, इसका मतलब है 20 तक करना है, तो अगर मैं इसको 21 कर दूँ और ये ना लगाऊँ तो ये तो बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, ये बराबर नहीं हुआ,
क्योंकि अगर तो किसी ने 20 की जगह डायरेक्ट 21 लिखा तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने 20.99 लिख दिया तो मेरे केस में जो मैं चाहता हूँ उसके हिसाब से ये गड़बड़ हो जाएगी। किसी केस में हो सकता है ये अप्रोप्रिएट हो, किसी केस में हो सकता है मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ जैसा बिहेवियर ये दे रहा है मुझे। वेल तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको लेस देन इक्वल टू फिलहाल लगा देता हूँ। सही हिसाब, सब लोगों को बात समझ आई? मुझे इसमें ऐसा ऐसी सेटिंग यहाँ पे करनी है कि 20 तक, 19.999 तक और 20 तक उसको वो ट्रू करे। जैसे 20 के बाद एक भी डेसिमल पॉइंट ऊपर जाए तो उसको फॉल्स कर दो। तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो गया यहाँ पे कि 20 के बाद ना जैसे भी अगर ये 0.0000 भी 1 अगर हुआ ना, इसको मुझे 20 करना होगा है ना, तो जैसे ही ये होगा ये फॉल्स कर देगा। ठीक है, आ जाओ भाई। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वो टेम्प इनपुट लगा दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। ये मेरा क्या हो गया, परफेक्ट हो गया कि टेम्परेचर इज कोल्ड, इसने बता दिया। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला होगा, ये नंबर स्केल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर रेंज को आपने कवर करना है तो। अच्छा, अब दूसरा जो नॉर्मल वेदर है, वो नॉर्मल मैं कहाँ से कहाँ तक कंसिडर कर रहा हूँ? ट्वेंटी वन से थर्टी तक। अच्छा, अगर 20.5 है तो? अच्छा, दोस्त ने कहा कि 20 से लेके और 30 तक, मिसाल के तौर 30 को इंक्लूड कर लेते हैं। चलो, मैंने 30 को इंक्लूड किया और 20.1 से 20.1 ऐसे लिखूँगा। नहीं, अभी तो प्रोग्रामिंग को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मतलब मैं इधर तो मैंने 30 को इंक्लूड कर लिया कि 30 तक, 30.001 जैसे ही होगा तो मैं उसको बोलूँगा कि ये मेरी रेंज से बाहर निकल गया। मैं इस तरफ की रेंज क्या सेट करूँ, 20.1। लेकिन अगर किसी ने 20.0001 लिखा तो ना तो वो उसमें लाया कर रहा है ना तो वो इसमें लाया कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो तो हाँ भाई, एंड ऑपरेटर का सर साथ इस्तेमाल कर करते हैं डबल कंडीशन। अच्छा, इसमें एंड ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, इस रेंज को कवर करने में मुझे एंड ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर यही कंडीशन लगाएंगे इनपुट उसके साथ जो लास्ट डिजिट होगा सर। अच्छा चलो, अभी करके देखते हैं। मुझे एक्चुअली करना ही है, मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। मुझे एक्चुअली करना ये है कि यहाँ पे मैं 30 तक इंक्लूड कर रहा हूँ कि 30.001 पे ये रेंज से बाहर निकल जाए मेरे, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 20 तक इंक्लूड कर रहा हूँ कि जहाँ से एग्जैक्टली ये 20 की रेंज ख़त्म होती है ना, वहाँ से मैं लगा लूँ। अच्छा, इसका कोई जवाब नहीं है कि 20.1 या 20.0, बस 20 के बाद जो भी डेसिमल पॉइंट आता है ना उसमें मैंने इसको कवर करना है। अच्छा, अब ये करेंगे कैसे, ये करेंगे कैसे, आ जाओ प्रोग्रामिंग में इसको देख लेते हैं कैसे होगा ये। हम यहाँ पे लगाएंगे एक और इफ है ना, अभी मैं इसको, अभी इसको इफ, दो इफ अलग अलग बनाते हैं, अभी हम इसको इसको ब्रेक डाउन करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, कोई मसला नहीं, आराम से करते हैं। मैंने कहा टेम्परेचर जब तक छोटा हो या इक्वल हो जाए 30 से, तो ये जब तक मैंने ये बोल दिया ना कि टेम्परेचर जब तक छोटा रहे या इक्वल टू हो जाए 30 के, तो ये इस साइड वाला तो सेट हो गया, इस साइड तो अभी 30 से आगे जाएगा तो फॉल्स होगा। लेकिन अगर ये 20 से छोटा हो जाए तो क्या होगा, अगर ये 20 से छोटा हो जाए तो फिर क्या होगा, तो भी ये ट्रू रहेगा। सही है, तो भी ये क्या हो जाएगा, अगर ये 20 से छोटा रहेगा तो भी ये ट्रू हो जाएगा। समझ आ रहा है? अच्छा, तो लिहाजा अगर यहाँ पे मुझे किसी ने 20 इंटर किया, अगर किसी ने यहाँ पे 20 इंटर किया तो होगा क्या कि ये भी ट्रू होगा, तो मैसेज में क्या चला जाएगा, 20 नहीं बल्कि मैं इसको और 10 कर देता हूँ। ठीक है, 10 में क्लियरली यही जवाब आना चाहिए, 10 में क्लियरली ये जवाब आना चाहिए, तो ये ट्रू हुआ, मैसेज में ये बात गई। लेकिन जब ये कोड मेरा आगे बढ़ा और ये दूसरा इफ जब चला तो ये इफ भी ट्रू हो गया, क्योंकि है तो ये भी 30 से छोटा,
10 तो है तो लेकिन 30 तो छोटा है, तो ये भी ट्रू हो गया. लिहाजा क्या हुआ, पहले जो वेदर इज़ कोल्ड यहाँ पे था ना, तो वेदर इज़ अब नॉर्मल ये गया, तो ये मैसेज का जो वेरिएबल था ये रिप्लेस हो गया. हालांकि सही जवाब तो था कि वेदर इज़ कोल्ड, लेकिन जब क्योंकि ये भी ट्रू हो गया तो मैसेज में चला गया वेदर इज़ नॉर्मल, ये चला गया वेदर में. अच्छा तो अब लिहाजा जवाब जो मेरा आएगा वो वेदर इज़ नॉर्मल आएगा, हालांकि मैंने 10 एंटर किया है जो कि कोल्ड वेदर है. अच्छा एक साइड वाली कंडीशन तो मेरी बिल्कुल सही हो गई है, दूसरे साइड वाली का मसला है. अच्छा एक तरीका इसका ये हो सकता है कि एंड ऑपरेटर में लगा लूँ, जो एंड ऑपरेटर अभी हमने डिस्कस नहीं किया. लेकिन अगर आप सोचें इसको, अगर मैं यहाँ से कट करके अगर इसको मैं अगर ऐसे कर दूँ, मैंने क्या किया है, मैंने जो कंडीशन ऊपर थी उसको नीचे कर दिया, जो नीचे थी उसको ऊपर कर दिया. अब आप सोचें कि अब मैं 10 एंटर करूँगा तो क्या होगा, क्या जवाब सही आएगा या गलत आएगा, सवाल ये है मेरा. गलत क्यों आएगा? अच्छा अच्छा बता रहा हूँ, चलो इसको ड्राई रन करते हैं ना, ड्राई रन करते हैं. ये वाला चेक हुआ सबसे पहले, 10 है इनपुट के अंदर तो ये ट्रू हो गया, वेदर इज नॉर्मल चला गया उसमें, चला गया. दूसरे को क्यों नहीं चेक करेगा, करेगा ना, दोनों एफ अलग अलग हैं चेक करेगा. दूसरे को चेक किया, ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो वेदर इज़ कोल्ड हो गया. तो जवाब तो सही हो गया, आखिर में जवाब तो सही आएगा मेरे पास, है ना. आखिर में जो जवाब मेरे पास आ रहा है वो तो सही आ रहा है. दोनों कैसे प्रिंट करेगा, ये वेरिएबल था ना, ये देखो लेट करके वेरिएबल बना हुआ है ना. हमने ये बात देखी थी कि वेरिएबल में जब कोई भी बात हम डालते हैं तो पुरानी चीज़ को रिप्लेस कर देता है वो. शुरू में ये खाली था, एम्प्टी स्ट्रिंग था, मैंने मैसेज में कहा वेदर इज़ नॉर्मल तो पुराना रिप्लेस हो गया. फिर दोबारा जब ये भी ट्रू हो गया तो मैसेज के अंदर क्या चला गया, वेदर इज़ कोल्ड. तो वेदर इज़ कोल्ड जब चला गया तो पुरानी बात रिमूव हो गई. अब इस वक्त वेरिएबल में अभी क्या मौजूद है, वेदर इज़ कोल्ड. तो जो मौजूद है यहाँ प्रिंट करवाते हुए वो प्रिंट होता है. तो मेरा जवाब सही हो गया समहाउ. नोट किया आपने ये बात, मेरा एम परसेंट यूज़ किए बगैर मैंने ये काम कर लिया है. जो प्रो है उनके लिए बता रहा हूँ, जो जब बिगनर हैं उनको भी एम परसेंट हम आगे पढ़ेंगे कि उसका कहाँ पे एक्चुअल में फिर उसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है. जब यहाँ ज़रूरत ही नहीं है तो एक्चुअल में ज़रूरत पड़ती कहाँ है फिर, वो भी हम देख लेंगे. तो मेरा जवाब समहाउ यहाँ पे ठीक हो गया है ना. आपके साथ यही हो रहा था ना, दो एफ थे दोनों ट्रू होते थे, लास्ट वाला आता था आप इसी पे थे, तो जस्ट इसको मैंने स्वैप कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया इसको मैंने. अच्छा तो अब हम क्या करते हैं, एक दो सैंपल डाल के वेरीफाई कर लेते हैं. मैंने तो अभी ये वाला तो 10 मैंने डाला था ना, ये तो सही हो गया, वेरीफाई हो गया. अच्छा अगर मैं डालता हूँ 25 तो इसमें फॉल करना चाहिए. आ जाओ इसको ड्राई रन करते हैं. अगर मेरे पास इनपुट मिलता है 25 तो ये इफ़ चेक होगा, ये ट्रू हो जाएगा. ठीक है, यहाँ 25 है, 25 छोटा है, 30 बड़ा है, ये ट्रू हो जाएगा, वेदर इज़ नॉर्मल आ जाएगा वेरिएबल में. अगली कंडीशन चेक होगी, ये फॉल्स हो जाएगी, लिहाजा वेदर इज़ नॉर्मल ही रहा. तो जवाब मेरा अभी भी सही हो गया. ठीक है, जवाब मेरा क्या हो गया, अभी भी सही हो गया. तो एक्चुअली मैंने किया क्या है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे किया क्या है कि मैंने जो है एक तरफ की ही रेंज लिखी है, दूसरी तरफ की रेंज लिखी नहीं है. तो मैं लिहाजा मैंने ये काम किया है, मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या किया मैंने. मैंने ये काम किया, ठीक है, इधर की रेंज ही नहीं डिफाइन की मैंने, और चेक करते हुए आता हूँ मैं इस तरफ से. तो होता ये है कि जो अच्छा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मेरी इफ़ ये भी ट्रू हो जाता है, ये भी ट्रू हो जाता है, समटाइम दो ट्रू हो जाते हैं, ये भी ट्रू हो जाता है, वो भी ट्रू हो जाता है. तो इसका भी हम हल निकालते हैं अभी क्या है, लेकिन चलो इसको पहले इसी तरह कंप्लीट करते हैं. ये दिस कोड इज़ नॉट परफेक्ट, ये वर्किंग कोड तो है लेकिन दिस कोड इज़ नॉट परफेक्ट. इसको हम मजीद परफेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, आज एक नया टूल सीखेंगे हम. अभी तक मैंने आपको कोई टूल नहीं सिखाया आज की क्लास में. अभी तक हम जस्ट उसको ज़रा चला के देख रहे हैं कि अच्छा जी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जो इफ़ हमने लास्ट सीखा है उसी इफ़ के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या हम उससे कर सकते हैं, तो उसकी पोटेंशियल को हम डिस्कवर कर रहे हैं. ठीक है, नया टूल हम भी सीखेंगे इंशाल्लाह आज. अच्छा अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मैंने इस तरह करके करना है. अब मेरा जो थर्ड जो है वो ये है ना कि 30 से प्लस, इसको मैं रेड कर लेता हूँ इस लाइन को. अब मेरे पास जो 30.00001 से शुरू है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वो पूरा है.
ये मेरा है तीसरा रेंज जो कि मैं कह रहा हूँ कि यार ये हॉट होगा। अच्छा, अब इस कंडीशन के लिए मैं क्या कर लूँ? अब मुझे वो अपोजिट साइन लगाना पड़ेगा। पहले तो मैं लेस देन लगाता था ना, अब मुझे ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि अब देखो वो इस तरफ से मैं चेक कर रहा हूँ कि जी 30 से जितना भी बड़ा हो, तो मैं बोलूँगा कि यार अगर मेरा टेम्प बड़ा है 30 से, अब कितना बड़ा है वो जितना भी बड़ा है, इन्फिनिटी तक पूरा वो कवर कर लेगा, सही है? तो मैंने कहा कि यार इफ टेम्प इनपुट अगर बड़ा है 30 से। अच्छा, अब यहाँ पे आप नोट करें, अच्छा तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, वेदर इज हॉट। अब यहाँ पे आप नोट करें, ये कब तक ट्रू रिटर्न करेगा? मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसे ही 30.01 जैसे ही होता है ना, 30.0001 जैसे ही होता है, तो वो हॉट में दाखिल हो जाएगा, ठीक है? 30 तक जो है वो कोल्ड है, 30.001 पे ये हॉट है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे अगर मुझे इनपुट में मिलता है 30, ठीक है, मुझे इनपुट में मिलता है 30, तो ये उस सूरत में ट्रू नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये लिहाजा ट्रू नहीं होगा। 30 यहाँ पे मैंने जो बात लिखी है वो क्या लिखी है कि 30 इज ग्रेटर देन 30, तो 30 इज नॉट ग्रेटर देन 30, 30 इज इक्वल टू 30। तो ये इस सिचुएशन में ये नहीं होगा ट्रू, सही है? इस सिचुएशन में नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको बोलूँगा कि 30.00001, अब ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि अब 30 बड़ा हो गया है। तो मैं यही चाहता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर यही चाहता हूँ। आपने ऊपर देखा था, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन इस जगह पर एक सिचुएशन ऐसी बनी है कि मैं ऐसा चाहता हूँ अब। तो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ये नहीं है कि दोनों को मिलाइए, इसका बकायदा एक इस जगह पर जहाँ पे मुझे, जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए था कि लेस देन और इक्वल टू। अब ये काम मैं लेस देन इक्वल टू के बगैर कर ही नहीं सकता, लेस देन इक्वल टू मुझे चाहिए ही चाहिए यहाँ पे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसके बगैर ये काम कर लूँ, है ना? कोई सिचुएशन है अगर तो बताओ। तो ये लेस देन और इक्वल टू और सिर्फ लेस देन, ये बिल्कुल डिफरेंट ऑपरेटर है। ये ऐसा नहीं है कि जो जस्ट वो ऐसे बना दिए और आप एम परसेंट में भी शायद ये चीज़ अचीव आई एम नॉट श्योर कि हो पाएगी या नहीं। वेल, एम परसेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। तो यहाँ पे हमारे पास ना ये ऑपरेटर बिल्कुल सही लग गया है। टेम्प इनपुट थोड़ा सा भी बड़ा हो अगर 30 से, तो मैं बोलूँगा कि वेदर इज हॉट। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी, और अब मैं आके बोलता हूँ कि इसको कोई इनपुट दे के देखते हैं। मिसाल के तौर पे 40 एक इनपुट दे के देखता हूँ मैं इसको कि जी मुझे यहाँ पे 40 इनपुट मिला है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? फॉल्स हो जाएगी, 40 बड़ा है 30 छोटा है, यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी वेदर इज हॉट आ जाएगा, सही है? तो मेरा मसला यहाँ पे क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। मेरी जो तीन रेंज थी है ये कंप्लीट हो गई। अच्छा, अभी ये तीन रेंज थी, इसमें 4, 5, 6, 10, 12 जितनी आप रेंज बनाना चाहें, क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेट कर रहा होता तो मैं क्या करता, मैं 10-10 नंबर का ना ऐसे बनाता, ऐसे 10-10 नंबर का बनाता ही हूँ एक एक रेंज, तो मैं 10-10 का बना लूँ, 20-20 का बना लूँ जितना। तो ये जो रेंज की जब भी बात आएगी ना, तो हमने क्या करना है, कोशिश करनी है कि हम इस तरह का एक ग्राफ बना लें, एक ड्राइंग बना लें, और उसको देखते हुए और उसको अच्छी तरह जो है ना इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि कोई एक वैल्यू भी मिस नहीं होनी चाहिए, कोई एक वैल्यू भी मिस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आमतौर पे लोगों को देखा गया है, सीनियर डेवलपर्स को भी इवन मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि अच्छा जी ये तो बस टेम्प ऐसे इक्वल टू हो गया, अच्छा यहाँ पे तो या तो 30 आएगा, 30 पे ये ऐसे और 31 पे ये ऐसे, बस दैट्स इट। लेकिन उनको ये नहीं पता लगता कि 30.0001 अगर किसी ने लिख दिया तो वो तो ना इधर लाया कर रहा है ना उधर लाया कर रहा है, तो ये तो बग हो गया, तो वो एरर जनरेट करेगा और बड़ा ख़तरनाक वाला करेगा, सही है? तो ये हमने इसको अच्छी तरह ध्यान में इन चीज़ों को रखते हुए ये पूरा कोड लिखा है, ठीक है? यहाँ पे दोनों पे इक्वल टू 7 लगाया है और यहाँ पे इक्वल टू 7 नहीं लगाया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू 7 लगा दूंगा तो क्या होगा उससे? 30 भी इंक्लूड हो जाएगा। 30 इंक्लूड होने से क्या होगा कि 30 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, ये मेरी रेंज ओवरलैप कर जाएगी। ये बजाय अभी इस तरह होने के ना, ये थोड़ा ऐसे दाखिल हो जाएगा इसके अंदर। अब ये एक ये वाली जो रेंज है
ये इधर भी लाए कर रही है उधर भी लाए कर रही है, अनसर्टेनिटी आ जाएगी मेरे एल्गोरिथम के अंदर, है ना। मैं ये मतलब ये समझ नहीं पाऊंगा कि ये वाला आएगा या वो वाला आएगा, क्योंकि दोनों आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी शामिल हो जाएगी मेरे पास, ठीक है जी। अच्छा, अब चक्कर हमारे पास क्या है? अब चक्कर ये है कि हम ना इसके सीक्वेंस पर डिपेंडेंट हो गए। कोड तो मेरा सही हो गया, वर्किंग कंडीशन हो गई, बट दिस कोड इज़ नॉट परफेक्ट। हमारे साथ प्रॉब्लम इसमें ये हो गई है कि हम इसके सीक्वेंस पर डिपेंडेंट हो गए। हमने देखा कि अगर इस 30 को मैं यहाँ से कट करूँ और मैं यहाँ ला के लगा दूँ तो ये तो मसला हो गया, ठीक है। असूलन तो होना ये चाहिए था कि मैं सीधा लिखता है इसको ना, मतलब रेंज में मेरे सबसे पहले ये वाली बात है, फिर ये वाली बात है, और फिर ये वाली बात है। असूलन तो ये होना चाहिए मैं सीधा सीधा लिखता ताकि मैं पीस ऑफ माइंड भी तो एक मुझे मिले ना, कोड क्लीन हो मेरा। इस कोड को समझना तो ये बहुत मुश्किल है, इसको समझना। ये कोड अगर मैं किसी को दे दूँ तो वो इसको समझ नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। इवन सीनियर डेवलपर को भी मैं बोलूँ ना ये क्या लिखा भाई है, तो उसको नहीं समझ आएगा, बोलेगा यार ये क्या चक्कर है, पहले 30 है फिर 20 है फिर यहाँ 30 है। उसको ये रियलाइज़ करते करते कि ये एक रेंज को कवर कर रहा है, उसको 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे कि उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या चक्कर हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास इफ़ की एक चेन स्टेटमेंट मौजूद है। इफ़ की चेन स्टेटमेंट का क्या सीन होता है? अच्छा, मुझे क्योंकि मैं रेंज को कवर कर रहा हूँ, मुझे ये बात पता है कि इनमें से एक ही ट्रू होनी चाहिए, दो ट्रू नहीं हो सकती एक वक्त में, क्योंकि मैं रेंज को कवर कर रहा हूँ ना। तो मुझे ये बात पता है कि इसमें से एक वक्त में एक ट्रू होगी, दो कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती। तो इसके लिए इफ़ के अंदर मैं एल्स इफ करके मुझे एक चेन स्टेटमेंट मिलती है, ठीक है। अच्छा, ये एल्स इफ क्या चीज़ है भला, इसको हम देख लेते हैं। काम वही हो रहा है सारा, काम कोई फ़र्क नहीं है। इसको ज़रा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ कोड को। अच्छा जी, एक इफ़ है, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, एल्स लगा देते थे कि अच्छा जी अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हर हाल में ये नीचे वाला काम करो। अब की बार मैंने एल्स के अंदर एक और इफ़ लगाया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने कोर्स आउटलाइन जो मैंने आपको बताई हुई थी, तो इसके अंदर हमारे पास कंडीशन के अंदर हमने ये इफ़ और एल्स तो लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हमने एल्स इफ़ भी एक चीज़ होती है, ठीक है। इसको हम चेन स्टेटमेंट कहते हैं। चलो यहाँ जिक्र नहीं है, वो इफ़ एल्स के टॉपिक में ही एक्चुअली कवर होता है, जहाँ पे इफ़ एल्स पढ़ाया जाता है। तो इफ़ एल्स की वो एक आप समझ लें वेरिएशन है, ठीक है। इफ़ एल्स की एक्चुअली तीन वेरिएशन हैं। नंबर एक वेरिएशन जो है वो क्या है, एक सिंपल इफ़ होगा, ठीक है। और नंबर दो वेरिएशन ये है कि जी इफ़ और एल्स होगा, और नंबर तीन वेरिएशन है कि जी इफ़ एल्स और उसके अंदर एक और इफ़ होगा। तो ये तीन वेरिएशन एक्चुअली है। तो ये जहाँ पे इफ़ एल्स का जिक्र आता है तो ये तीनों वेरिएशन ही जिक्र आती है वहाँ पे, और ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों की हमें बराबर ज़रूरत पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे किसी की कम या ज़्यादा ज़रूरत, तीनों की मुझे बराबर ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमने पहला वेरिएंट देख लिया था, दूसरा वेरिएंट भी देख लिया था, अब ये तीसरा वेरिएंट हम देख रहे हैं इसका, ठीक है। जस्ट ये लिखने का अंदाज है, दैट्स इट। ये इफ एल्स इफ अभी हम पढ़ रहे हैं, उसमें ये फ़र्क है। एल्स इफ और एल्स जब साथ आते हैं, ये दोनों जब साथ आते हैं, हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि इफ़ चलता है या तो, अगर इफ़ फॉल्स हो जाता है तो हर हाल में एल्स चला दिया जाता है। अगर इफ़ ट्रू नहीं होता है किसी भी वजह से तो हर हाल में एल्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या बिहेवियर रही है। अगर सिर्फ इफ़ है तो इफ़ ट्रू होता है तो ठीक है, एल्स में कुछ भी नहीं होता। तो ये दोनों तो हम डिस्कवर कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। ये दोनों हम डिस्कवर पहले ही कर चुके हैं। अब हमने आज की क्लास में ना ये डिस्कवर करना है, लास्ट पार्ट। अच्छा, तो लास्ट पार्ट का क्या सीन है, इसमें बिहेवियर ये होगा। अच्छे से इसके बिहेवियर को समझ लो, फिर टेंशन नहीं होगी, सब समझ आ जाएगा खुद ही। इफ़ बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले होता था, इफ़ की बॉडी बिल्कुल उसी तरह। एल्स में पहले क्या होता था, एक ब्लॉक ऑफ कोड देता था मैं। एल्स में मैं पहले क्या देता था, एक ब्लॉक ऑफ कोड देता था, लेकिन अब की बार मैं एल्स में क्या दे रहा हूँ, एल्स में मैं एक और इफ़ दे रहा हूँ, है ना, कि अगर ये ट्रू नहीं होता है तो एल्स में जाके एक ये दूसरी कंडीशन है उसको चेक करो आप। अच्छा, लेकिन अगर ये इफ़ ट्रू हो जाता है तो एल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही होता ना, यही था ना एल्स का बिहेवियर, कि अगर इफ़ ट्रू हो जाता है तो एल्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो लिहाजा अगर ये पहला ही इफ़ ट्रू हो गया तो ये नीचे वाले किसी भी कंडीशन को चेक नहीं करेगा, एंड हेंस दिस इज़ कॉल्ड चेन स्टेटमेंट। चेन जो चेन होती है ना, उसकी एक कड़ी अगर निकाल दें तो वो चेन अलग हो जाती है वहीं से। तो ये पहला चेक किया, ट्रू नहीं हुआ, दूसरा चेक किया, ट्रू नहीं हुआ, तीसरा चेक किया, ट्रू हो गया, तो बस जहाँ पे ट्रू हो गया उसके आगे चेक नहीं करेगा ये, ठीक है। या दूसरा ट्रू हो गया तो तीसरे को चेक नहीं करेगा, या पहला ही ट्रू हो गया अगर तो वहीं से ख़त्म,
तो हमारे केस में हमने क्योंकि रेंज यहाँ पे सेट की हुई है, तो अगर मिसाल के तौर पर पहली रेंज ये ट्रू हो जाती है तो बाकी दोनों को चेक करने की क्या ज़रूरत है? नहीं है। इससे पहले क्या होता था कि हमारे पास तीन अलग अलग इफ थे, ट्रू तो एक होता था, चेक तीनों को करता था वो हर दफ़ा, यही होता था ना, ट्रू तो एक ही होना है, वो तो मुझे पता है एक ही ट्रू होगा इसमें से, तीनों तो ट्रू हो नहीं सकते, लेकिन वो चेक तीनों को करता था हर दफ़ा। यहाँ पे हमारे पास ना वो चीज़ सेट हो गई है और हमारे पास पीस ऑफ माइंड भी आ गया। अब हम सीक्वेंस पर डिपेंडेंट नहीं होंगे इसके, अब हम सीधा सीधा इसको लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक ट्रू हो गया तो दूसरा ट्रू होगा ही नहीं। पहले तो हमारे पास सीक्वेंस में हम उसमें इस वजह से डिपेंडेंट थे, मुझे पता था यार ये ट्रू हो गया फिर नीचे दूसरा भी ट्रू हो जाता तो मसला पड़ जाता है। तो अब मैं इसका सीक्वेंस भी सीधा कर लेता हूँ जो सीक्वेंस है। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या चीज़ चेक की है, मैंने कहा था मैं इधर से शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इसको इधर से भी शुरू कर सकता था, एक ही बात है, ठीक है, इधर से भी शुरू कर सकता हूँ, इधर से भी। मैंने फिलहाल के लिए यहाँ से शुरू किया है, नेक्स्ट टाइम मुझे याद दिलाइएगा जब फिर कभी मैं इस तरफ से शुरू करके दिखा दूँगा, एक ही चीज़ होगी। तो मैंने सबसे पहले कहा क्या, मेरा इनपुट जो है वो क्या होना चाहिए, 20 या उससे छोटा होना चाहिए, सही है। तो सबसे पहले मैं ये बात लिखूंगा कि मेरा जो इनपुट है वो क्या होना चाहिए, 20 या उससे छोटा होना चाहिए। तो इस इफ को मैं यहाँ से कट करूँगा और इसको मैं सबसे टॉप पे लेके जाऊँगा, सही है, मेरा इनपुट 20 या उससे छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले कोल्ड की मैंने चेकिंग की है। अच्छा, अब इसको हम चेक करते हैं। अब मेरे पास इनपुट अगर 20 है ना, ये ट्रू हो गया और वेरिएबल में चला गया वेदर इज़ कोल्ड, उससे लास्ट क्या होता था कि फिर ये चेक होता था और 30 भी, क्योंकि ये भी ट्रू होगा, अगर इसको चेक किया गया तो ये भी ट्रू होगा, तो लिहाजा क्या होता था, नॉर्मल आ जाता था, आंसर गलत हो जाता था मेरा। अब की बार लगन अगर ये ट्रू हो गया तो बाकी नीचे चेक ही नहीं करेगा किसी को, तो मेरा वो सीक्वेंस पर डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई अब मेरी, ये मेरी जो सीक्वेंस पर डिपेंडेंट होता था वो डिपेंडेंसी मेरी ख़त्म हो गई। अच्छा, अब मैंने इसको देखो, कोल्ड पहले, फिर नॉर्मल और फिर हॉट। अब इसको देखते ही पता लगेगा कि अच्छा ये रेंज की बात हो रही है, क्योंकि वो सीक्वेंस में ना कोल्ड नॉर्मल हॉट, अब इसको देखते ही पता लग रहा है कि जो है ना ये एक रेंज कोल्ड से शुरू होता है, नॉर्मल से होता हुआ ये हॉट की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, हम इसको एक इनपुट ऐसा देके देखते हैं जो कि मिसाल के तौर पे 22 एक इनपुट है, सही है, जो कि यहाँ पे इस जगह पे कहीं लाए कर रहा है। 22 एक इनपुट देके देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है मुझे। 22 मैंने इनपुट दिया, ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा, लिहाजा एल्स में जाके अगले इफ को चेक करेगा, ये वाला ट्रू हो जाएगा। अच्छा, ये अगर जैसे ही ये वाला ट्रू होता है तो वो इतनी बॉडी को चलाएगा और आगे किसी को चेक नहीं करेगा ये। अच्छा, फिर अब मैं क्या देके देखता हूँ इसको, 41 एक देके देखता हूँ इनपुट, 41 में ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये वाला ट्रू होगा लास्ट, ठीक है, तो चेन स्टेटमेंट है ये, तो कोई एक ही इसमें ट्रू होगा, सारे इसमें कभी भी ट्रू नहीं होते, ठीक है। ज़्यादातर हमारे पास इफ़ की जो इस तरह की कंडीशन आ रही होती है हमारे पास, उसमें क्या होते हैं कि 4, 5, 6 कंडीशंस होती हैं, एक रेंज को कवर कर रही होती हैं, जिसमें मैंने आपको 3-4 एग्जांपल दी थी। नंबर एक कि अगर बंदा अपने मार्क्स एंटर कर रहा हो, उसको ग्रेड पता लगाना हो, है ना, परसेंटेज की जरिए ग्रेड पता लगाना हो, या उसको जो है वो एज एंटर कर रहा हो और उसको बूढ़ा जवान और बच्चा डिक्लेयर करना हो, या टेम्परेचर इनपुट दे रहा हो उसको हॉट कोल्ड या नॉर्मल पता लगाना हो, तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें ना, ये रेंज कवर कर रहा होता हूँ मैं इफ़ के ज़रिए, ठीक है, तो तमाम की तमाम रेंज के ऊपर ना इस तरह से ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आई वुड से कि हमारा ये इफ एल्स का जो टॉपिक है ना, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ये मैंने गड़बड़ की है क्या? हाँ, यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं लगाया था ना, इक्वल टू फिर गलती से मैंने बाद में लगा दिया इसमें। हाँ, यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, सही कहा आपने, सही है, सही है। तो ये रेंज मैंने आपको चेक करना बता दी पूरे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक ऐप बनानी है जो ग्रेड कैलकुलेट करे, सही है, एक ऐप आपने बनानी है जो यूज़र से इनपुट लेगा, उसका परसेंटेज और उसके वो ग्रेड कैलकुलेट करके बताएगा, सही है। अच्छा, मिसाल के तौर पे चलो अभी इसमें तीन था ना, मैं थोड़ा एक और ऐड कर लेता हूँ, मैं चौथा भी ऐड कर लेता हूँ इसमें, इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, चौथा भी ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि यार ये जो था ना मेरा 40, अब 40 तक जो है ना, मैंने कहा कि ये क्या है, ज़रा येलो है, मैंने कहा कि यार 40 तक जो है ना ये, मैंने कहा कि यार ये 40 तक बेयरेबल है, ठीक है, मरेगा नहीं बंदा इसमें
जिंदा रहेगा। तो मैंने कहा 40 तक ना मैं उसको कह देता हूँ कि यार ये हॉट है, और 40 के आगे वाले को मैं कह देता हूँ एक्सट्रीम हॉट है ये, मैं ये अब रेंज बनाना चाह रहा हूँ। अब मैं वापस ही रेड सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार ये ना 40.001 जैसी होता है ना, तो उसको मैं एक्सट्रीम हॉट। अब मैंने चार कैटेगरी कर दी है, ठीक है, एक लास्ट में मैंने ई लगा दिया है एक्सट्रीम हॉट, चार कैटेगरी कर दी। तो अब मैं इसको कैसे अपने उसको मॉडिफाई करूँगा, पहले तो मुझे इसको मॉडिफाई करना होगा, इस वाले को जो मैं कहता था ना कि 30 से जो बड़ा जितना भी हो, अब तो ये वाला सीन नहीं है। अब मैं इसको बोलूँगा कि टेम्परेचर छोटा हो या इक्वल टू हो जाए 40 के, तो हॉट है ये। अब यहाँ पे एक और एल्जिफ लगेगा हमारा, ठीक है, टेम इनपुट अगर बड़ा हो जाए 40 से, तो अब ये मेरा सेट हो गया, सही है, अब ये सेट हो गया। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ओ वेदर इज डेडली, ठीक है, डेडली हो गया, सही है। तो अब क्या होगा, अब इसको एक दफा और वेरीफाई कर लेते हैं, शुरू से वेरीफाई कर लेते हैं। आ जाओ वापस, मैंने कहा 20 से छोटा छोटा हो तो 20.001 पे ये फॉल्स होना चाहिए पहली कंडीशन, ठीक है, 20 तक ये सही है, 20.001 पे ये फॉल्स हो रही है, परफेक्ट है बिल्कुल। अच्छा, सेकंड वाली जो कंडीशन है मेरी, इसको 30 तक ट्रू होना चाहिए, है ना, यहाँ पे वापस आते हैं हम अपने ग्राफ में, ये 30 तक इसको ट्रू होना चाहिए, 30.001 पे इसको फॉल्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 30 लिखता हूँ, इस पे ट्रू है ये, 30.001 पे ये फॉल्स हो जाएगी वैल्यू, समझ आ रहा है सब लोगों को ये? अच्छा, ये भी परफेक्ट है मेरे पास। अच्छा, उसके बाद अगला हमारा हॉट, हॉट में हमारे पास जो है ना 40 तक हॉट है ये, 40.001 पे ये फॉल्स हो जाना चाहिए। आ जाओ भाई, अगर मैं यहाँ पे 40 इनपुट मिलता है तब तक ये ट्रू है, 40.001 पे ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, और सबसे लास्ट वाला हमारा, सबसे लास्ट वाले में हमारे पे क्या सीन है कि जी हमारे पास 40.001 से ट्रू शुरू है इसका, ठीक है, 40 तक ये फॉल्स रहेगा, ठीक है, 40 है तो ये फॉल्स है। अब पॉइंट लगा के 0001 भी अगर हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, और उसके यानी फिर जितना भी बड़ा हो जाए, 41 हो जाए, 42 हो जाए, 45 हो जाए, 49 हो जाए, ठीक है, 200 हो जाए, तो ये इसमें ट्रू ही रहेगा फिर, ये उस पूरे इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अच्छा, तो ये हमने पूरे को दोबारा से वेरीफाई कर लिया। अच्छा, एक चीज़ आप और भी समझ लें, मुझे ये लास्ट वाले इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, सही है, क्योंकि हमने अलग से जो इफ़ था और एल्स था वो तो हमने देख लिया था कि जी एक इफ़ होता है एल्स होता है, तो ये चेन स्टेटमेंट के भी लास्ट में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एल्स लगा दें, सही है। अच्छा, अब होगा क्या, बिहेवियर क्या होगा, पहले को चेक करेगा नहीं हुआ ट्रू, दूसरे को चेक करेगा नहीं हुआ ट्रू, तीसरे को चेक करेगा नहीं हुआ ट्रू, तो लास्ट में अगर ये तीनों ये लास्ट कंडीशन हो गई तो ये एल्स चल जाएगा, ये एल्स फिर हर हाल में चलेगा। तो हमारे केस में ये परफेक्ट है हमारे लिए कि जी अगर 40 तक वाली बात नहीं है तो या तो जाहिर है 40.1 होगा फिर, ठीक है, तो 40.0001 भी अगर हो गया, है ना, 40.001 भी हो गया तो ये तो ट्रू नहीं होगा ना, इसके ऊपर वाले को ट्रू होंगे, तो लास्ट में एल्स वो हर हाल में फिर हमें पता है कि चलाना है हर हाल में। अच्छा, अब इस पूरे सेटअप के दौरान हमने किन चीज़ों का ख्याल रखा है, नंबर एक तो हमने ये ख्याल रखा है कि यार हमारा जो नंबर स्केल हो ना, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ अगेन, हम क्योंकि ये टॉपिक हमारा अब कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखा है कि नंबर एक तो हमारा जो नंबर स्केल है वो क्या हो, उसमें कोई चीज़ मिस ना हो, नंबर स्केल में हमारे कोई चीज़ मिस ना हो, कंप्लीट एक हमारी रेंज ना कवर हो रही हो, ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी डेसिमल पॉइंट हमारी हमारा क्या हो रहा हो, कवर हो रहा है उसमें। नंबर एक हमने इस चीज़ का ख्याल रखा, नंबर दो हमने इस चीज़ का ख्याल रखा कि हमारा जो कोड हो वो क्लीन हो, सीधा हो कोड हमारा, ऐसा ना हो कि कोड हमने लिखा है वो पढ़ने में ही ना आए, तो आगे पीछे सीक्वेंस पे हम डिपेंडेंट हो रहे थे जब तक हमने ये एल्स इफ का इस्तेमाल नहीं किया था, तो हमने एल्स इफ का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, इसका सीक्वेंस को सीधा किया और अपने कोड को हमने क्लीन किया। अच्छा, और लास्ट चीज़ का हमने जो ख्याल रखा है थर्ड,
वो हमने ये ख्याल रखा कि जो प्रोसेसिंग पावर, जो अभी तक मैंने जिक्र नहीं किया था ये वाला, ये अब मैं आखिरी ये जिक्र कर रहा हूँ कि प्रोसेसिंग पावर हमने यहाँ पे सेव की है अपनी। अच्छा, लास्ट क्या होता था हमारे, जब शुरू शुरू में हमने कहा था तीन इफ सीधे सीधे लगा दिए थे, क्या होता था, तीनों को चेक करता था वो, ट्रू मुझे पता था एक ही होगा लेकिन चेक वो तीनों को करता था, तो मेरी प्रोसेसिंग पावर क्या हो रही थी, ज़ाया हो रही थी। अच्छा, प्रोसेसिंग पावर बावजूद इसके कि हमारा फ्रंट एंड जो है ना, जावास्क्रिप्ट जो मोस्टली हमारे फ्रंट एंड पे चलती है, तो हमारा जो फ्रंट एंड है यानी जब HTML का पेज लोड हो जाता है आपके कंप्यूटर में आ जाता है, तो ये जो भी प्रोग्रामिंग चल रही है ये आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर को इस्तेमाल करती है, तो वो तो बहुत होता है, क्वाड कोर प्रोसेसर होते हैं आजकल मोबाइलों के अंदर भी, है ना, 8-8 GB रैम होती है, तो वो तो मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि मैं रिसोर्स को एक्सप्लॉइट ना करूँ। ठीक है, अगर मेरे पास रिसोर्स अच्छी अवेलेबल है तो इट डजेंट मीन कि मैं उसका बेजा इस्तेमाल करूँ, मुझे स्टिल एक एक बिट एक एक बाइट का ख्याल रखना होता है और एक एक प्रोसेसिंग साइकिल का मुझे ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मेरा सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर यूज़ कर रहा है जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, तो मेरा प्रोसेसर जो मेरा सॉफ्टवेयर है ना वो हैवी वेट होता चला जाता है, मेरे सॉफ्टवेयर को चलने के लिए ज़्यादा प्रोसेसर वाली मशीन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो लाइट वेट रहे, वो कम से कम प्रोसेसर वाली मशीन पे भी स्मूथली चले। ठीक है, ज़्यादा प्रोसेसर वाला मिल गया तो अच्छी बात है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर लाइट वेट रहे, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर तो नहीं चल रहा ना सिर्फ इस कंप्यूटर के ऊपर, सिर्फ मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ी चल रहा है, और भी बहुत कुछ चल रहा है आगे पीछे। ठीक है, तो बेहतर ये है कि मैं कम से कम रिसोर्सेज के अंदर अपना काम करूँ। ठीक है, इसको हम कहते हैं एफिशिएंट कोडिंग, कि कम से कम प्रोसेसिंग पावर कम से कम रैम को इस्तेमाल करते हुए मैं अपना टास्क कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, इट डजेंट मीन कि आप क्या करें कि मतलब बिल्कुल ही अपने कोड को श्रिंक कर दें और आप उसको बहुत ज़्यादा वो कर लें, लेकिन किसी हद तक हमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उसको फॉलो करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम प्रोसेसिंग पावर एक्स्ट्रा तो नहीं यूज़ कर रहे। मिसाल के तौर पर जब ये एक कंडीशन को चेक करता है ना, तो वैसे तो ये एक CPU साइकिल में नहीं होता, लेकिन हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक CPU साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या होगा, पहली ही कंडीशन ट्रू हो गई तो एक CPU साइकिल में हमारा काम हो गया, अगर दूसरे में हो जाएगी तो चलो दो CPU साइकिल में हो गया, एट मोस्ट इसके अंदर तीन CPU साइकिल लगेंगे एट मोस्ट। अच्छा, एल्स को चलाने के लिए इसको CPU साइकिल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ये चेक कर लिया इसने, हो गया, अभी एल्स चलाएगा हाल में, इसको एल्स को चलाने के लिए CPU साइकिल की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले क्या होता था, हमने एल्स में भी एक इफ लगाया हुआ था, तो फिर चार एट मोस्ट चला जाता वो। ठीक है, चार CPU साइकिल इज़ नथिंग, चार CPU साइकिल जो है वो इज़ नथिंग, क्योंकि हमारे पास जो 1 GHz जो होता है ना, 1 GHz का क्या मतलब होता है, 1 GHz का ये मतलब होता है कि एक सेकंड में ये 1 GTS साइकिल्स लेता है ये प्रोसेसर। ठीक है, 1 GB को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो 1 MHz आ जाएगा, उसको मजीद मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो 1 KHz आ जाएगा, और मजीद 1000 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हर्ट्ज आ जाएगा वो, तो 1 Hz इज़ इक्वल टू 1 साइकिल, 1 CPU साइकिल, जो पेंडोलम होता है ना ए से बी पे जाता है तो हम कहते हैं ये 1 Hz हो गया। तो आपका मतलब अगर आपके CPU पे लिखा हुआ है कि आपका CPU 1 GHz है ये, है ना, तो इट मींस कि क्या है ये 1000 MHz है ये, और ये इक्वल है किसके, मल्टीप्लाई पे 1000 को मल्टीप्लाई पे मजीद करेंगे हम तो ये 1,000,000 हो गया। सही है, तो 1,000,000 काइंड ऑफ, ज़्यादा कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, ये एक मल्टीप्लाई बाई 6 0 होंगे इसमें, हाँ सही है 6 0 होंगे, सही है KHz KHz सही है, और ये इक्वल कितने हो जाएगा, इतने KHz को मैं अगर मज़ीद मल्टीप्लाई कर दूँ 1000 से तो ये मेरे पास 9 0 आ जाएंगे। सही है, सही है, तो अगर आपके CPU पे लिखा हुआ है कि 1 GHz है ना आपका, तो ये इतनी दफ़ा साइकिल करता है वो एक सेकंड में आपका CPU। ठीक है, तो आप ये मतलब चार इफ की कंडीशन चेक करना एक 1 GHz के CPU के लिए एक सेकंड के शायद वो 1000वें या 1,00,000,000वें हिस्से में इसको कर ले, वो ये चार CPU साइकिल उसके लिए नॉट अ बिग डील,
या चलो एक एक वैसे मतलब इन थ्योरी तो इसके अंदर मतलब चार पांच साइकिल लगते हैं एक कंडीशन को चेक करने में, क्योंकि वो एक वैल्यू को उठा के एक रजिस्टर में रखता है एक साइकिल, दूसरे को उठा के दूसरे रजिस्टर में रखता है दूसरा साइकिल, फिर उसको कंपेयर करता है और कंपेयर कर रिजल्ट तीसरे रजिस्टर में रखता है, तो ये तीसरा साइकिल फिर उसको आउटपुट देता है चौथा साइकिल। तो मिनिमम चार साइकिल लगते ही लगते हैं किसी भी ऑपरेटर में, उससे कम पे नहीं होता। तो चार चार साइकिल भी अगर लगते हैं और चार मेरे पास कंडीशन है टोटल, तो 16 साइकिल बनते हैं। तो 16 साइकिल इज़ नथिंग यार, एक सेकंड के पता नहीं हज़ारवें हिस्से में ही करेगा 16 साइकिल कंप्लीट करेगा ये। लेकिन स्टिल हम अगर कुछ साइकिल बचा सकते हैं तो हमें बचाना चाहिए, ठीक है। हमें पता है कि यार इसमें बच रहे हैं साइकिल और इस तरह हो सकता है काम, तो बचाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंट कोडिंग कहते हैं। अगर आपकी कोडिंग में आपने इन चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है तो आप, यानी वो अगेन गोरे मुहावरा कहते हैं ना कि चिम्प कैन ऑल्सो राइट कोड, तो वो चिंपैंजी के लिखे हुए कोड में और बंदे के लिखे हुए कोड में एक फ़र्क ये भी है, बंदे का लिखा हुआ कोड ज़रा एफिशिएंसी का भी ख्याल रखता है वो। तो हमने ये तीन मेनली तीन बातों का ख्याल रखा। नंबर एक हमने नंबर एक हमने कोड को क्लीन रखा, दूसरा दूसरा हमने कोड को एफिशिएंट नहीं भाई, सबसे पहले हमने नंबर स्केल पे हमने ख्याल रखा कि सारे नंबर्स कवर हो रहे हैं, कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही। नंबर दो हमने कोड को क्लीन रखा, नंबर तीन हमने एफिशिएंट बनाया कोड को। तो ये तीन चीज़ों का हमने ख्याल रखा है टोटल इस कोड में जो आज की क्लास में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा इफ एल्स का जो टॉपिक था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। किसी का अगर कोई सवाल है इस इफ एल्स के टॉपिक में तो वो पूछ सकता है। कंसोल लॉग, देखो कंसोल लॉग तो मैंने लगाया था लास्ट क्लास में, फिर आप लोगों ने कहा कि सर इसको स्क्रीन पे इनपुट दिखा के दें, तो मैंने फिर ये स्क्रीन पे इनपुट आउटपुट वाला दिखा दिया। अच्छा, इस कोड को मैंने अभी तक चला के नहीं दिखा ना, ड्राई रन पे ही चल रहे हैं हम, ठीक है। मोस्टली वैसे इस कोर्स के अंदर हम जो आगे करेंगे ना वो हम ड्राई रन पे ही चलेंगे, ठीक है। कोड को चला के देखना इज़ द लास्ट थिंग। अगर आपको कोड को बार बार चला के देखना पड़ रहा है ना तो इट मीन्स कि आपको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है एक्चुअली, ठीक है। तो जब भी मैं ये कोड को अपने चेक करूंगा मेरे पास कंसोल खुला होना चाहिए ताकि किसी भी किस्म का कोई एरर आए मुझे दिख जाए। अच्छा, तो मैंने कहा कि यार इसको पहले 10 से शुरू करते हैं, चेक कोल्ड है ये, ठीक है। और मुझे पता है कि 20 तक ये कोल्ड है, तो मैंने एग्जैक्टली 19 लिखा, चेक किया कोल्ड, 19.5 लिखा, चेक किया कोल्ड, 19.999 लिखा, कोल्ड। अच्छा, वो तो दो डेसिमल तक मैंने रोका हुआ है उसको ना, ठीक है। अब मैंने 20 लिखा, ये भी कोल्ड, 20.01 जैसे ही हुआ नॉर्मल हो गया ये, अब ठीक है। अब ये 21 पे नॉर्मल रहेगा, ठीक है, 22 पे नॉर्मल रहेगा, और ये 30 तक ये नॉर्मल है, 30 एंटर किया नॉर्मल, 30.1 जैसे ही हुआ हॉट हो गया, 30.01 भी हुआ तो भी हॉट हो गया, ठीक है। अब 40 तक ये हॉट रहेगा, ठीक है, 40.01 जैसे ही हुआ ये डेडली हो गया, ठीक है। अब ये ऑनवर्ड, अब इसमें मैं 4000 लिख दूँ, 400 लिख दूँ, ये डेडली ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह मैं माइनस की अगर कोई वैल्यू लिखता हूँ, -234 तो क्या आएगा, कोल्ड आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे डेडली कोल्ड भी चाहिए था, एक मुझे डेडली कोल्ड भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं तो सिर्फ कोल्ड बोल के चुप नहीं हो सकता ना, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि अच्छा जी ये तो मतलब कोल्ड तो चलो मतलब 0 डिग्री तक चलो कोल्ड मान लेते हैं, ठीक है। इससे नीचे तो कोल्ड नहीं होगा ना, इससे नीचे होगा डेडली होगा, कि जी अगर आप ऐसे में अगर बाहर निकल गए और आपने कुछ सोचा समझा नहीं ज़्यादा तो मर भी सकते हैं आप, ठीक है। तो वैसे मतलब यहाँ पे ज़रा ठंड कितनी हो जाती है, यहाँ पे ठंड 5 डिग्री तक हो जाती है, तो 5 डिग्री के अंदर व्हाट डू यू थिंक कि अगर कोई बंदा शर्ट उतार दे अगर तो कितनी देर तक ज़िंदा रहेगा, व्हाट डू यू थिंक, ऐसी ओपिनियन ले रहा हूँ। पठान जिंदा रह जाएंगे, हम जैसे नहीं रहेंगे। अच्छा, तो हाँ भाई, व्हाट डू यू थिंक, पठान सर्वाइव कर लेगा 5 डिग्री में बगैर शर्ट? पठान भी इंसान का बच्चा है, नॉर्मल होता है, क्या ये इसमें पंजाबी वाली सोचती है, वदी मर रहा है, ये पंजाब जाया हुआ है, ये इससे ऐसा बात नहीं करता। चलो यार, तो मेरा ख्याल है कि शायद 0 डिग्री तक बंदा सर्वाइव कर लेगा अगर शर्ट ना भी हो उसके पास तो, हाँ। लेकिन उसके लिए फिर उसको मूव करते रहना पड़ेगा, उछलते कूदते रहना पड़ेगा, भागते रहना पड़ेगा, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम तक ही, तो जब तक भागने का दम है उसमें जब तक तो वो जिंदा रहेगा 0 डिग्री तक एक नॉर्मल बंदा। तो 0 तक चलो हम कंसिडर कर लेते हैं कि कोल्ड है, लेकिन 0 से नीचे फिर वो डेडली है,
क्योंकि ज़ीरो पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है, अगर ज़ीरो पे अगर आप खड़े हो गए या ज़ीरो से अगर आप थोड़ा सा भी नीचे हो गया वो और आप अगर स्टिल खड़े हुए हैं तो आप फ्रीज़ हो जाएंगे, जैसे फ्रिज के अंदर गोश्त फ्रीज़ हो जाता है ना, सख्त हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट शुरू हो जाता है किस पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, 4 से नीचे शुरू हो जाता है। हाँ अच्छा, हम मेरा वो तो वो फील्ड है नहीं, तो बचपन में मैं बताया था 0 डिग्री होता है, 4 डिग्री से शुरू होता है। सही है, बर्फ में गोरे नहीं, नहीं वो तो 2 मिनट के लिए घुसते हैं अंदर, नहीं नहीं वो जूस होते हैं, वो जो करते हैं जूस होते हैं, पता नहीं कौन होते हैं वो जो कोल्ड बाथ लेते हैं, वो बर्फ़ भर के ना पानी के अंदर, हाँ वो कोल्ड पानी में जाके ना वो यूं एंटर होते हैं एक तरफ से और बस मतलब 4-5 सेकंड 10 सेकंड वो स्टे करते हैं उसमें, फिर वो बाहर आते हैं। अब उसके उनके मुताबिक कोई मेडिकल बेनिफिट्स हैं है ना, अच्छा ये कहते हैं ना वो, हाँ तो वो जो कुछ तो बंदे घर में बना लेते हैं, जैसे अभी पुतिन की एक वीडियो आई थी, वो ऐसे वो कोल्ड बाथ में एंटर हुआ उस तरफ से निकला वो, ठीक है मुंह तो उसने बड़ा नॉर्मल रखने की कोशिश की लेकिन पता लग रहा था कि हालत टाइट हो गई है उसकी, ठीक है। और ये कुछ बंदे क्या करते हैं, ज़रा वेकेशन वगैरह पे चले जाते हैं कहीं ठंडी जगह पे, तो वहाँ पे ठंडी जगह पे जाके वो खोदते हैं उसको बर्फ़ को काट के ना, क्योंकि बर्फ़ जहाँ भी जमी होती है ऊपर की लेयर होती है 3-4 फिट 5 फिट होती है, उसके बाद नीचे पानी सेट होता है, तो उसको काटते हैं, काट के उसके अंदर जाते हैं, वो उसके अंदर जाके ये डुबकी मार के फिर बाहर निकलते हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि अगर आप अंदर गए और आप अंदर जाके आपके औसान ठीक रहेंगे तो आपको सुराख दिखेगा ना बाहर जाने का, तो अगर आप अंदर जाके कोई भी आपके साथ सीन हुआ जिसकी वजह से आप अनकॉन्शियस हो गए तो बस आप गए, फिर आप बाहर नहीं आ सकते, और दूसरा कोई जाएगा आपको बचाने तो वो भी शायद वापस ना आ पाए, तो बड़ा डेडली है। तो बेहतर है कि अगर किसी को शौक है ना ये वाला करने का काम, तो घर पे बना ले ड्रम और ड्रम के अंदर डूब जाए। हाँ बर्फ का घर, हाँ इग्लो जो कहते हैं ना। अच्छा अच्छा, ये किधर बनाया है यार, ये क्या कह रहा है, सुन तो लो, बर्फ का घर क्या कह रहा है ये, कहाँ पे बर्फ का? अच्छा आपके कराची में क्या बनाया, विंटरलैंड जो है। अच्छा विंटरलैंड, हाँ हाँ, अरे विंटरलैंड तो सही मजाक है यार, वो उन्होंने पता क्या किया, वो बर्फ मंगाते हैं रोज ट्रक भर के और वो जो है ना अंदर वो बर्फ बिछा देते हैं यूँ, और उस पर पता नहीं वो कारपेट से ढक देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं दीवारों में ना, हर जगह वो उन्होंने बर्फ़ की सिल्लियाँ लगाई होती हैं और कहते हैं बस आ जाओ अंदर। अब वो बंदे जाते हैं, अच्छा वो फिर उसमें से कुछ बर्फ़ को जैसे वो गोला गंडा नहीं चूरा करते हैं, वो गोला गंडा बनाते हुए ऐसे वो बर्फ़ को चूर करके जो बना के देते हैं, तो उस तरह चूर करके ना ज़रा साइडों में ज़रा फैला दिया उन्होंने। अब बंदे जाते हैं, बंदे सोचते हैं यार फोटो में तो उन्होंने दिखाया ना वाइट वाइट बर्फ़, अब वो अंदर जाते हैं, बंदे बोलते हैं यार ये किधर आ गए, वेल तो उन्होंने ज़रा इस तरह के सीन किए हैं। तो बाय द वे ये जो एसी होता है ना एसी, इस पे जो लिखा होता है कि 1.5 टन एसी है या 1 टन एसी है, आपको पता है इसका क्या मतलब होता है, बताओ? मतलब उसके बराबर वाटर कहाँ से निकलता है, समझा नहीं मैं, उसके बराबर वाटर, उसके बराबर जो ठंड देता है असल में चक्कर ये होता था कि जब तक ये एसी नहीं बने थे ना, देखो अब हमारे यहाँ तो यहाँ पे ठंडी जगह है ना यहाँ, तो यहाँ पे वो उसमें वो होता है फायर का बना हुआ होता है, क्या बोलते हैं उसको, आग जलाने की जो जगह बनी होती है घरों में, क्या कहते हैं उसको, आतिशदान बना होता है। तो अब इस तरह ना जो गर्म इलाके होते थे ना जहाँ पे, तो वहाँ पे लोगों ने जो घर बनते थे लोगों के, तो उन्होंने बर्फ़ रखने की जगह बनाई होती थी घर के अंदर अपने, तो वो क्या होता था कि 1 टन बर्फ़ आता था रोज़, ठीक है सम हाउ वो जमाते होंगे बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ तो असल में बर्फ़ जमाना भी हमने रिसेंटली सीखा है, आज से शायद पता नहीं 200-250 साल पहले बर्फ़ जमाने का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो बर्फ़ वो गिरती थी जो आसमान से वही होती थी, जमाना तो हमने रिसेंटली सीख लिया ना, तो वो जब हमने बर्फ़ जमाना सीखा ना जब, तो उस वक्त एसी ईजाद नहीं हुए थे, एसी बहुत बाद में ईजाद हुए हैं, तो वो बर्फ़ आती थी 1-2 टन बर्फ़ आता था। अब जैसे ये रूम है इतना बड़ा, अब इस रूम में ये 1.5 टन के 4 एसी लगे हुए हैं, तो कितने हो गए ये, 3 और 3 6 टन हो गए,
तो 6 टन बर्फ चाहिए मुझे इस रूम को ठंडा करने के लिए। तो वो 6 टन बर्फ बकायदा लाते थे वो शादियों में, और वो जो बड़े लोग होते थे उनके घर में डेली का हिसाब किताब था। वो बर्फ़ आके बर्फ वो पुराने पानी की पाइप लगा होता था, पिघलता था, खुद ही ख़त्म हो जाता था, वो ड्रेन हो जाता था पानी, और वहाँ पे वो नई सिल्लियाँ ला के सजा देते थे चारों साइड। तो उसके बीच में जब आप बैठते थे तो यही वाली ठंडक आती थी। तो जब इन्होंने एसी जब बने तो इनको मार्केटिंग तो करनी थी ना, बताना तो था ना कि इस एसी की पावर कितनी है। जैसे मोटरसाइकिल की भाई बताते हैं ना कि ये 120 तक जाती है ये, या 200 तक जाती है ये, तो स्पीड बताते हैं ना, तो इसकी भी कोई कैपेसिटी तो बतानी थी ना कि क्या होती है। तो उन्होंने बोला कि यार 1 टन है ये, या 1.5 टन है ये, या 2 टन है। तो जिस रूम में 1 टन बर्फ़ ला के डाली जाती थी उस रूम के लिए इनफ है ये। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी है। तो मैं मतलब उसको सोच के ही मैं वो हो जाता हूँ कि यार रोज़ 1 टन, 1 टन 1000 किलो होता है। 1000 किलो बर्फ़ का मतलब है कि कम से कम एक सुजुकी पूरी भर के आएगी 1 टन बर्फ। एक सुजुकी होती है ना बोलान जो, वो भर के आएगी 1 टन बर्फ, क्योंकि वो सुजुकी बोलान का जो मैक्सिमम वेट है वो 1 टन से कम है, 600 किलो तक मैक्सिमम वेट है। लेकिन उस पर तो ये चलो कमानियाँ वमानियाँ अपग्रेड करके ना उसकी हो, उस पर पूरा 1 टन बर्फ़ डाल के लाते हैं मेरे ख्याल में ये। तो आप सोचें कि इस रूम को ठंडा करने के लिए मुझे वैसे 6 सुजुकियाँ चाहिए। 6 सुजुकी बर्फ़ आ जाएगी तो बंदे की जगह तो बचेगी नहीं यहाँ पर। बर्फ़ ही बर्फ़ होगी यहाँ पर, विंटर लैंड बन जाएगा। चलो यार आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना ये पढ़ेंगे हमारा टर्नरी ऑपरेटर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और साथ में हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट जिसका यहाँ जिक्र नहीं हुआ हुआ लेकिन हम पढ़ेंगे वो ऑफली। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर जो है वो पढ़ेंगे और स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, कंपैरिजन ऑपरेटर हमने सारा कवर कर लिया है, और हम कल टर्नरी ऑपरेटर पढ़ते हुए कोशिश करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि कंडीशन चेकिंग में ये भी बड़ा इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, चलें। ये जो काम मैंने भी करवाया ये सारे लोग अपने हाथ से भी करेंगे, और सब लोग जो है ना इस तरह ये ड्राइंग बना के उसको करें। जो ड्राइंग मैंने बनाई थी वो रिमूव कर दी मैंने, तो उस तरह से ड्राइंग बना के ना वो पूरे स्केल को आपने कवर करना है। और क्या असाइनमेंट दिया मैंने आपको, ग्रेड बनाना है। यूज़र से आपने इनपुट लेना है परसेंटेज, और आपने उसको बना के देना है ग्रेड। ये कोड मैं पुश कर रहा हूँ गिटहब में, तो वहाँ से आप सही है। क्या अपलोड कर दूँ? हाँ, गूगल क्लासरूम पे ना अभी अपलोड कर देता हूँ।